Hello students, today we will try to make some ionic compounds which are formed due to the combination of ions. जो ions का combination हो रहा होता है तब ionic compounds बनते हैं. Ionic compounds are formed between metal plus non-metals. आयनिक कंपाउंड्स सपोज करो मैग्नीशियम ऑक्साइड. हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला बनाना है. अब मैग्नीशियम ऑक्साइड में सबसे पहले हमें ये देखना कि इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन सी चीजें यहाँ पे मिली हुई. तो एक तो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का सिंबल Mg, और साथ में ऑक्साइड. ऑक्साइड का क्या है, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन साथ में आई हुई है तो क्या है, ये ऑक्साइड के रूप में हमारे पास है. तो एक हमारे पास ऑक्सीजन है. जब हम इनको लिखेंगे सिंबल्स को, एटम्स के सिंबल्स यहाँ पे जो आए हुए हैं, लेफ्ट हैंड साइड में मेटल और राइट हैंड साइड में क्या आती है, नॉन मेटल. फिर उसकी वैलेंसी उसके नीचे और उसकी वैलेंसी उसके नीचे. मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, और फिर इनको क्रॉस मल्टी क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम 2 से 2 कैंसिल तो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड. अगर हम सोडियम ऑक्साइड देखें, वही है, पहले आप इनको ऐसे लिखोगे उसके बाद इनके सिंबल देखोगे कि सिंबल कौन कौन से हैं. सिंबल देखें, सोडियम का क्या होता है, Na, ऑक्सीजन O, सोडियम की वैलेंसी सोडियम के नीचे. सोडियम की वैलेंसी कितनी है, 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, 2, और फिर इसकी क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. इसकी वैलेंसी यहाँ चली जाएगी, इसकी यहाँ पे चली जाएगी, तो फार्मूला क्या बनेगा, Na2O, सोडियम ऑक्साइड. ठीक है, और देख लेते हैं हम एल्यूमिनियम क्लोराइड. एल्यूमिनियम क्लोराइड सबसे पहले हमने क्या देखना है कि इसमें कौन कौन से एटम्स हैं और उनके हमें सिंबल पता होने चाहिए. अब यहाँ पे क्या हुआ है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम किससे बनता है, Al, एल्यूमिनियम का सिंबल क्या है, और क्लोरीन से क्या बना हुआ है, क्लोराइड, तो क्या है, Cl. एल्यूमिनियम की वैलेंसी एटॉमिक नंबर 13, तो 13 में एटॉमिक नंबर है तो वैलेंसी कितनी बन गई, अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखें तो क्या है, 2, 8, 3, तो इसकी वैलेंसी कितनी है, 3. पॉजिटिव वैलेंसी जो बनाते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, 2, 8, 7, इट मीन इट विल मेक 1 नेगेटिव वैलेंसी. 8 में से 7 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1, और फिर इसको वही क्रॉस मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, Al और Cl के साथ में 3, Al Cl 3. सोडियम के साथ में देखें हम सोडियम सल्फाइड और सोडियम सल्फेट, ये थोड़ा सा आपको दिक्कत रहेगी. हम एक बनाते हैं सोडियम सल्फाइड, ध्यान से देखो, हम लिख रहे हैं सोडियम सल्फाइड, सल्फाइड आया हुआ सल्फर के लिए, और जब सल्फेट लिखते हैं तो आता है SO4, तो सोडियम के लिए तो Na यहाँ पे, और सल्फर, सल्फर का हमें पता है जब सल्फर ऐड होता है तो सल्फर को सल्फाइड में, जैसे ऑक्सीजन ऑक्साइड या क्लोरीन क्लोराइड में हम बदलते हैं तो सल्फर सल्फाइड के रूप में बोला जाता है. तो ये क्या हमारा S, यहाँ पे एक वैलेंसी और सल्फर की वैलेंसी होती है 2, तो हम क्या करेंगे इसको क्रॉस, तो क्या बन जाएगा ये Na2S. और अगर हम सोडियम सल्फेट बनाएंगे तो हम क्या करते हैं, सोडियम सल्फेट, सल्फेट होता है SO4, आयंस जो होते हैं
तो यहाँ पे क्या है, हमने Na और यहाँ पे SO4। सल्फेट की भी वैलेंसी कितनी है, 2, और सोडियम की कितनी है, 1। और ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, Na2SO4, Na2SO4, सोडियम सल्फेट। देख लेते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, मैग्नीशियम का सिंबल Mg, हाइड्रोक्साइड, यह अकेला जैसे उल्टा बोला जाता है, हाइड्रोक्साइड हम समझेंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन, परंतु यो सिंबल क्या होता है, OH, होता क्या है ये OH। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है, 2, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी कितनी होती है, 1, और इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी वैलेंसी इसके नीचे। अब देखो थोड़ा सा इसमें हल्का सा डिफरेंस है, मैग्नीशियम और इसकी वैलेंसी इसके नीचे जाएगी, तो ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, ऐसे ये इस तरह लिखा जाता है, क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई O के साथ भी और H के साथ भी, तो ये इस तरह से सिंबल लिखा जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बनाएंगे तो कैल्शियम Ca, और हाइड्रोक्साइड क्या होता है, OH, तो कैल्शियम की वैलेंसी उसके नीचे, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी उसके नीचे, तो हम क्या करेंगे इसको, ये चीज, तो ये तो कैल्शियम सीधा आ जाएगा आपका, और हाइड्रोक्साइड OH ट्वाइस, ऐसे ऐसे लिखा जाता है। हम देख लेते हैं पोटासियम नाइट्रेट, पोटासियम नाइट्रेट, पोटासियम का सिंबल के, नाइट्रेट होता है NO3, नाइट्रेट क्या है, NO3। अब पोटासियम की वैलेंसी एक, नाइट्रेट की वैलेंसी एक, ये आपको वैलेंसी याद करनी पड़ेंगी, आपको वैलेंसी याद करनी पड़ेंगी तभी आप इनको बना पाओगे, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा, KNO3, क्या आ जाएगा, KNO3। कैल्शियम कार्बोनेट बना लेते हैं, कैल्शियम क्या है अब हमारे पास में, कैल्शियम कार्बोनेट, ऊपर पहले हम वर्ड में लिखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का सिंबल Ca, और कार्बोनेट्स क्या होते हैं, CO3, कैल्शियम की वैलेंसी 2, कार्बोनेट की वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 1 1 हो जाएगी, तो क्या सिंबल फार्मूला बनेगा, CaCO3, क्या बनेगा, CaCO3। अब होता क्या है, कई बार तो आपको इनके फार्मूले बनाने होते हैं, और कई बार आपको फार्मूला दिया हुआ होता है, इसका नाम बताना होता है, जैसे हम ये आपको एक फार्मूला दे देते हैं CaCl2, पूछ लेंगे इसमें नाम बताइए कि इसका नाम क्या है, अब जब इसका नाम बताएंगे तो हम क्या है, कैल्शियम क्लोराइड, क्या नाम है, कैल्शियम क्लोराइड। ऐसे ही कोई और आपको जैसे K2SO4, K2SO4 आपको एक फार्मूला दिया हुआ है, तो क्या है, K2SO4, हमें ये पता होना, K4 क्या है, पोटासियम, और SO4 क्या है, सल्फेट, तो ये क्या है, पोटासियम सल्फेट, क्या है ये, पोटासियम सल्फेट। इस प्रकार से आपको एक तो ये पैटर्न दिया जाता है, या तो आपको फार्मूला बनवाया जाएगा या फार्मूला देके उसका केमिकल नेम पूछा जाएगा, ये चीज होती है। कई बार आपको इस तरह से भी आता है कि कोई भी आपको मॉलिक्यूल्स दे देते हैं, जैसे कि आपको यहां पे दे दिया H2S, इसके अंदर कहते हैं कि कितने एटम्स प्रेजेंट हैं इसके अंदर, पहले तो टोटल गिनेंगे हम, 2 एटम्स हाइड्रोजन के और एक सल्फर का, यानी कि 3
और थ्री एटम्स जो हैं वो अगर हम और भी डिफाइन कर दें तो क्या है, टू एटम्स तो किसके हैं, हाइड्रोजन के, और एक एटम्स किसका है, सल्फर का। जैसे कि हम यहाँ पे और एक एग्जांपल ले लेते हैं, NaCl कितने, टू, Na का एक, क्लोरीन का एक, टू एटम्स, एक सोडियम और एक क्लोरीन। S8, एट एटम किसके, आठ सल्फर के एटम। इस प्रकार से आपसे इस तरह के क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछे जाते हैं। कई बार आपको एक क्वेश्चन आता है कि पॉली एटॉमिक आयंस क्या होते हैं, एक मोनो आयंस। देखो पॉली एटॉमिक अकेला आयंस बने, जैसे अभी हम सोडियम एटम है इसको आयन में कन्वर्ट करेंगे तो ये सोडियम आयंस बन गया है। क्लोरीन का एटम्स है, क्लोरीन आयंस बनेगा तो ये बन जाएगा। पोटासियम का है, पोटासियम का आयंस बनेगा तो ये बन जाएगा। मैग्नीशियम का अगर हम बात करें, मैग्नीशियम एटम है, मैग्नीशियम आयंस में कन्वर्ट होगा तो ये हो जाएगा। ऑक्सीजन एटम्स ऑक्सीजन आयंस में कन्वर्ट होगा तो ये हो जाएगा। ये क्या है, मोनो अकेले। और हमने पूछा है पॉली, पॉली का मतलब क्या है, जो ग्रुप ऑफ एटम्स ज्वाइन, ग्रुप ऑफ एटम ज्वाइंट होके किसी आयंस का निर्माण करते हैं। जैसे ये आपका है SO4, क्या है SO4, सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर बना रहे हैं। कार्बोनेट CO3, क्या है कार्बोनेट CO3, तो क्या है कार्बन और ऑक्सीजन मिला रहे हैं। नाइट्रेट NO3, क्या है NO3, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये एग्जाम्पल हैं पॉली आयंस के, पॉली एटॉमिक्स आयंस आर द ग्रुप ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स मिलकर, यानी कि दो एटम्स आपको कंबाइन हो रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, आयंस बना रहे हैं, तो वो क्या है पॉली। और अगर सिंगल में आया हुआ तो ये क्या है, मोनो एटॉमिक आयंस होते हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें इसी में एक टॉपिक बचता है हमारा, मोलिकुलर मास जब हम निकालते हैं। अब मोलिकुलर मास निकालने के लिए हमें, कल भी हमने जिक्र किया था, आज फिर एक बार ट्राई कर लेते हैं। जैसे कि NH3, हमने मास निकालना NH3 का, तो हमें क्या होना चाहिए, एटॉमिक मास का पता होना चाहिए। एटॉमिक मास जब हम पूरा सोल्व करेंगे तो इस तरह से, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, एटो मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH3, ऐसे लिखेंगे हम। अब नाइट्रोजन का कितना है, 14, और एक ही है 14। हाइड्रोजन का कितना है, 1 3 है 3, और इसका कितना हो जाएगा, 14 प्लस 3 कितना है, 17, कितना हो जाएगा 17 यूनिट। जैसे हम, अब कई बार दिक्कत आती है आपको, इस तरह से दे रखा होता है CH3OH, तो आप कहते OH का मास तो कहीं है ही नहीं। दिक्कत यहां आती है कि OH का मास कहां से निकालें। ये OH का मास नहीं है, O अलग है और H अलग है, तो मास ऑफ कार्बन, मास ऑफ हाइड्रोजन और मास ऑफ ऑक्सीजन, इनको निकालेंगे हम यहाँ पे। तो मास ऑफ कार्बन एक है कार्बन का, और मास कितना है कार्बन का, 12 × 1 = 12। हाइड्रोजन के 3 और 1 = 4, 4 है तो क्या है, 1 = 4। ऑक्सीजन एक ही है, ऑक्सीजन का कितना है, 16। अब क्या है, ये मास ऑफ CH3OH =
12 प्लस 4 प्लस 3, कितना आ गया 32, 32 यूनिट। ठीक है, कई बार आपसे एक और तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्या है आपका कि आपको कुछ नाम दे रखे हैं, कहते हैं कि गिव द नेम ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन फॉलोइंग कंपाउंड्स, कौन कौन सी चीजें। और कई बार देखो आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं, क्विक लाइम। अब ये क्या दे दिया आपको, कॉमन नाम दे दिया। इसलिए टॉपिक आया था ना, कुछ एक हम सिर्फ कॉमन नाम से ज्यादा जानते हैं। अगर हम इसका फार्मूला पता हो, इस कंपाउंड का नेम ऑफ द कंपाउंड दे रखे हैं, अगर फार्मूला पता हो तो हम आराम से इसके अंदर कौन कौन सी चीजें मिली हुई है सिंबल देख के बता देंगे। क्विक लाइम होता है जो एक्चुअली में वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड। वो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। अब यहां से हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है, कैल्शियम सी ए और ऑक्साइड क्या है, ऑक्सीजन के लिए आया हुआ है। तो ये कैल्शियम एंड ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। इसके अंदर जो एटम्स यहाँ पे हैं, प्रेजेंट जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे क्या है, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन है। ऐसे ही हम देखते हैं कि बेकिंग सोडा क्या है, बेकिंग सोडा फिर एक कॉमन नेम है। बेकिंग सोडा का जो अगर हम केमिकल नेम देखें तो क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तीन चीजों से अगर हम इसको देखें यहां पे, अगर इसकी बात करें, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर इसका हमें फार्मूला और पता लग जाए तो ये होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसको हमारा आसानी से गिन के बता सकते हैं कि ये कौन कौन सी चीज मिली हुई। एक तो इसमें सोडियम है, हाइड्रोजन है, कार्बन है एंड ऑक्सीजन। ऐसे आपने लिखना होता है कि ये किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बन एंड ऑक्सीजन। ये नहीं है कि कार्बोनेट से मिलकर बना हुआ है, ये नहीं, हमें एक एक एलिमेंट्स बताना है। तो एलिमेंट्स कौन सा है इसमें, यहाँ सिंबल देखते जाओ, Na सोडियम, H हाइड्रोजन, C कार्बन, O ऑक्सीजन। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसके सिंबल हमने अलग अलग कर दिए, तो ये इन इन चीजों से मिलकर बना हुआ है। अगर हम देखें बेरियम सल्फेट देखें या और कोई चीज देख लेते हैं, आ जाता है आपका सीधा कॉमन नेम, फिर एक ले लेते हैं वाटर। वाटर क्या है हमारा, H2O। अब क्या ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसके अंदर क्या कौन से एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। पोटासियम सल्फेट देखें हम, पोटासियम सल्फेट क्या है, पोटासियम सल्फेट। अब पोटासियम और सल्फेट है, अगर हमने आप याद हो पोटासियम सल्फेट का एक फार्मूला बनाया था, K2SO4। अब यहां पे आपको दिख जाएगा कि कौन कौन से एलिमेंट, पोटासियम है, सल्फर है एंड ऑक्सीजन है। पोटासियम है, सल्फर है और ऑक्सीजन है, ये सारी चीजें मिलकर पोटासियम सल्फेट बनाती हैं। क्या बनाती हैं, पोटासियम सल्फेट बनाती हैं। कई बार आपके पास क्वेश्चन आता है डाल्टन थ्योरी को सीधा ना पूछ के, डाल्टन थ्योरी को सीधा नहीं पूछते हैं, तीन नंबर में आया, चार में आया तो पूछे, कई बार खाली एक आधा नियम के बारे में बात करते हैं, जैसे कि कौन सा पोस्टुलेट उसका, ये कहता है कि विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इस तरह से पूछते हैं। अगर हम देखें कि फर्स्ट देख लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को कौन सा वेरीफाई कर रहा है। अगर आपको याद हो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में
एक लाइन लिखवाई थी कि एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन। अगर वो ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इट मीन्स उसके अंदर कोई ना कोई मास हमेशा रहता है। तो ये जो लाइन है, ये जो पोस्टुलेट है उसका, ये जो वाक्य है वो ये सिद्ध करता है कंजर्वेशन ऑफ मास की, उसका मास जो है वो संरक्षित रहेगा, ना तो हम उसको क्रिएट कर सकते ना उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते। इट मीन्स वो क्या कह रहा है कि यदि यहाँ पे उसका मास 1 ग्राम है तो यहाँ भी उसका मास केमिकल रिएक्शन में 1 ही ग्राम रहेगा। तो हमने ना तो उसको मास को क्रिएट किया ना उसको हमने डिस्ट्रॉय किया है, हम उसको कुछ नहीं कर पा रहे। इट मीन्स जो मास है वो संरक्षित है। तो ये जो लाइन है कि एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वेरीफाई करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। अगर हम देखें डेफिनेट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन में कौन सी लाइन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की काम आ रही है, हमारे कौन सा पोस्टुलेट वहां पे यूज हुआ है, द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम। क्या लाइन थी एक वाक्य के अंदर, द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम इन ए गिवन कंपाउंड इज फिक्स्ड। कितने, जैसे अभी हम यहाँ पे एक वाटर का एग्जाम्पल ले लेते हैं, वाटर के अंदर जो जो एलिमेंट्स आएंगे यहाँ पे और उनकी संख्या हमेशा क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। क्या कह रहे हैं डाल्टन, ध्यान से सुनिए, कि जो नंबर हैं और काइंड ऑफ एटम्स, नंबर कितने, 2 हाइड्रोजन का 1 ऑक्सीजन का, और काइंड प्रकार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी कि ये जो रेशो है ये फिक्स रहती है किसी भी कंपाउंड को बनाने में। तो क्या है, अगर हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करें तो उसमें 1 सोडियम 1 हाइड्रोजन 1 कार्बन और 3 ऑक्सीजन के एटम्स कंबाइन होके सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा बनाते हैं। तो ये हमेशा सोडियम हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर ही बनेगा, और जो एटम्स की रेशियो है 1 सोडियम 1 हाइड्रोजन 1 कार्बन और 3 ऑक्सीजन, ये एज इट इज ही रहेंगी। तो ये जो पोस्टुलेट दिया था कि किसी भी कंपाउंड को बनाने के लिए नंबर एंड काइंड ऑफ एटम इन ए गिवन कंपाउंड इज फिक्स्ड, तो ये पोस्टुलेट यहाँ पे कामयाब होगा। कई बार क्वेश्चन आता है कि हम एटम्स जो होते हैं उनको हम देख नहीं सकते नेक्ड आई से। अब देखें कैसे, बहुत सारे इतने छोटे से छोटे पार्टिकल्स हैं उनको नेक्ड आई से देखना संभव ही नहीं है, क्योंकि उनका साइज बहुत कम। अगर हम देखें रेडियस की बात करें तो 10^-20 तक के ये मीटर्स की अगर काउंट करें तो इतने छोटे होते हैं। इट मीन्स दे आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज, सो वी आर नॉट पॉसिबल टू सी एटम्स विथ नेक्ड आइज। क्लियर। इस चैप्टर में हम सबसे ज्यादा जोर मॉलिक्यूलर फार्मूले आप जो बना रहे हैं, मॉलिक्यूल्स के जो फार्मूले बना रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास जो निकाल रहे हैं, एटॉमिक मास सिंबल, वैलेंसी, आयंस कैसे बनते हैं, आयनिक कंपाउंड्स कैसे बनेंगे, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स कैसे बनेंगे, ये बेस है आपकी केमिस्ट्री का, जो आगे जाके 10th 11th 12th आगे जितनी भी पढ़ाई करोगे वहां पे ये काम आएगा। और सबसे ज्यादा जरूरी तो ये होता है ना कि आपको उसका नाम और सिंबल पता हो, एटॉमिक नंबर, फिर उसके बाद आप उसका मास भी देख सकते हो, फिर उसकी वैलेंसी भी देख सकते हो, फिर आपस में दूसरे से साथ मिलकर किस प्रकार से फार्मूला बनाएगा, उस फार्मूले का नाम क्या होगा। इट मीन्स सबसे पहले हमें उस एटम्स का नाम यानी कि उसका नाम और सिंबल और वो कौन से पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे आता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर ही आपके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स की जानकारी भी दे देंगे, वैलेंसी भी बना देंगे और एटॉमिक मास भी। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी आप इस चैप्टर के सिंबल, एटॉमिक नंबर वगैरह की जो टेबल दे रखी है आपको, 2 टेबल आपको मिली हुई इस चैप्टर में, उनको केयरफुली रीड करें और उसके बाद में घर पे प्रैक्टिस करें। जितने से ज्यादा फार्मूले, जितना ज्यादा मॉलिकुलर मास एटॉमिक मास की प्रैक्टिस आप करते जाओगे उतना ही ज्यादा अच्छे से ये चैप्टर आपको लर्न होता जाएगा। ठीक है।